वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे मिसलेनियस का। मिसलेनियस है ना, मिसलेनियस जो चैप्टर है हमारा, मिसलेनियस चैप्टर 6, उसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला हम लोग को बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ए पार्ट, उसमें अप्रॉक्सीमेशन निकालना है। 17/81 हमको दिया हुआ है, इस पर पावर हमको है 1/4। इसका मुझे अप्रॉक्सीमेशन निकालना है यूजिंग डिफरेंशियल्स, डिफरेंशियल्स का यूज़ करके हमको निकालना है। तो हम लोग इसको पहले ऐसे लिख लेते हैं, 17 1/4 लिख सकते हैं अपॉन 81 1/4। तो फर्दर हम इसको लिखेंगे 17 1/4, ओके, नीचे हो जाएगा 3 पर पावर 4, 1/4 लिख सकते हैं ना, 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 17 1/4 ओके अपॉन ये 3 हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए बात यही है, हमको इसी का वैल्यू चाहिए, इसी का हमको वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 17 1/4 का अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे, फिर यहाँ रख देंगे, हमारा वैल्यू हो जाएगा। नाउ हम लोग क्या करते हैं, नाउ 17 1/4 का हम लोग निकाल लेंगे, 1/3 से बाद में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, क्लियर है। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट करेंगे, लेट 17 1/4, इसका जो वैल्यू है हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 16 + 1 1/4। क्यों हमने 16 लिखा, बिकॉज 4 टुकड़ों में हम इसको कैसे बांटेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है, ये हो जाएगा x0 + h, कितना हो जाएगा 1/4। वेयर हम लोग बोलेंगे, वेयर x0 कितना हो गया 16 और h का वैल्यू कितना हो गया 1, क्लियर है ना। देन हम लोग जानते हैं ना, कितना जानते हैं, f(x0 + h) ये हो जाएगा f(x0 + h) f'(x0), इतना तुम जानते हैं ना। इतना जानने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा सर, ये जो फंक्शन हमको लेट करना पड़ेगा, लेट फंक्शन इक्वल टू, अभी हमने फंक्शन लेट नहीं किया, x/1/4, क्योंकि हमको इसको फंक्शन लेट करना पड़ेगा। तो f'(x) यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा, 1/4 x/1/4 - 1, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, 1/4 x/-3/4, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे, 1/4 और ये x पर हो जाएगा 3/4, इसको हमने 2 लेट कर लिया। इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ, इसको हम मेन पेपर पर लिख सकते हैं, बट यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इसका वैल्यू चाहिए इसका मतलब इसका, तो f(x0) हम यहाँ रखेंगे, x0 पर कितना, 1/4 प्लस h का वैल्यू तो यहाँ पर है, ये f' का कितना वैल्यू है, 1/4 x, और ये ऊपर ही नीचे ही है, x0 पर 3/4, आप समझ रहे हैं। x0 था तो हमने फंक्शन में रख दिया ना, x0 का वैल्यू कितना 16, तो 16 पर कितना हो जाएगा, 1/4 प्लस h का वैल्यू कितना 1 है, तो 1/4 1/16 पर 3/4, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2/4 × 1/4, 4 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1/4 × ये 2/4 होगा 3/4, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2 + 1/4 × 1/8, क्यों 4 कैंसिल, तो 2 × 3 का वैल्यू कितना 8 हो गया ना, तो 2 + 1/32, 8 × 4 कितना 32। अब 32 को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, कितना 0.00 हो जाएगा 100, तो 32 30 90, 3 चलेगा, 3 हम लोग लेके चलते हैं, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 96, बचा 40 एक बार, तो करीब करीब कितना हो गया, 2 + 0.031, दैट मीन्स इसका हो गया 2.031, मीन्स इसका जो वैल्यू है वो, ये वैल्यू हमको इसका मिला, इसका वैल्यू हमको मिल गया, बट हमको वैल्यू किसका चाहिए, इसका। नाउ अब हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग हटा देते हैं ना, हेंस अब हम लोग लिखेंगे, हेंस हमको वैल्यू किसका चाहिए, 17 1/4 अपॉन कितना 3, तो 17 1/4 का वैल्यू को कितना मिला है, 2.031/3, इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कैंसिल करेंगे, 3 × 6 = 18 = 20,
3 × 7 = 21 है ना, 3 × 19 = 20, 23 × 21 = 22 23, और 3 × 7 = 21, ठीक है। तो ये हमारा 1 2 3 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो इसका जो वैल्यू हुआ सर वो हो गया 0.677, ये इसका वैल्यू हुआ। आपको आपको कहानी समझ में आ गई? चलिए, तो कहानी पूरी पूरी यही है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बी पार्ट, ठीक है। हम लोग बी पार्ट देखते हैं, बी पार्ट, इसका बी पार्ट है 33 × -1/5, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है, क्लियर ना। चलिए, तो क्या मैं इसको लिखूँ, एक्स नॉट प्लस एच, तो एक्स नॉट मतलब तो पहले बाद में करेंगे, 5 भाग में क्या तो 32 टूटता है, ये हो जाएगा 1/-1/5, इसको हो जाएगा एक्स नॉट प्लस एच टू द पावर -1/5, वेयर 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 कितना है, एक्स नॉट कितना है आपका 32 है, और एच का वैल्यू आपका हो गया 1, क्लियर है। लेट करेंगे हम लोग, लेट एफएक्स, एफएक्स कितना लेट करेंगे, एक्स पर पावर -1/5, ये हो जाएगा 1, ठीक है। और एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, -1/5, साइड में लेंगे -1/5 - 1, दैट मीन्स -1/5, ये हो जाएगा हमारा इनटू एक्स पर पावर -6/5, इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे सर तो माइनस तो यह रहेगा ही, 5 एक्स पर पावर हो जाएगा 6/5, ये हम लोग या सेकेंड, मतलब हमने इसका डेरिवेटिव निकाल दिया, ये हमको ओरिजिनल फंक्शन था। नाउ नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं एफ एक्स नॉट प्लस एच, हमको इसी का तो वैल्यू चाहिए ना, इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। तो एफ एक्स नॉट कितना हो जाएगा, एफ एक्स नॉट ए यहाँ रखेंगे सबसे पहले, एक्स नॉट पर पावर -1/5 प्लस एच एफ डैश का वैल्यू कितना, ये रहा तो -1/5, और नीचे होगा एक्स नॉट पर पावर 6/5, क्लियर है। एक्स नॉट कितना है 32 पर पावर -1/5 प्लस एच का वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये -5 और एक्स नॉट का वैल्यू 32, और ये हो जाएगा 6/5, ठीक है, समझ में आ रही बात। और 32 का कितना हो जाएगा, 2 पर पावर 5, 2 × 4 = 32, ठीक है। और -1/5 प्लस प्लस तो नहीं, अब इसको माइनस कर देते हैं बिकॉज यहाँ माइनस है, और 1/5 2 पर पावर 5, और पावर हो जाएगा 6/5, तो 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 5 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ कितना बच जाएगा सर, हमको यहाँ बच जाएगा 2 पर पावर -1, ठीक है, और -1/5, और यहाँ हो जाएगा 1/2 पर पावर 6, 64, 2 पर पावर 5 का मतलब कितना, 2 × 4 = 8 = 64, ये होगा 1/2 - 1/0 = 2 = 320, ठीक है। अब इसका एलसीएम भी हम लोग ले सकते हैं, 320 हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो बचेगा कितना, और 160 नहीं, माइनस हो जाएगा 1, दैट मीन्स 160 (159/320). ये हमको मिल गया इसका वैल्यू। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए, जो भी करना है कर लीजिए, इसका आप ये आपको पॉइंट में आ जाएगा, जो भी होगा तब तो हमको इसका वैल्यू हमको यहाँ मिल गया, क्लियर है। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, नहीं करना मत करिए, जो करना है कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है तो शो दैट फंक्शन, टू शो हमको क्या करना है, टू शो क्या दिखाना है, हमको फंक्शन दिया हुआ है log x अपॉन x इज़ मैक्सिमम एट x बराबर e। हमको ये प्रूफ करना है कि ये फंक्शन जो है x बराबर e पर क्या है, मैक्सिमम है, तो मैक्सिमा निकालना है हमको। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका f डैश x निकालेंगे, ये हो जाएगा इसका स्क्वायर होगा, नीचे x को छोड़ देंगे, d/dx ऑफ कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा, और माइनस log x को हम लोग छोड़ देंगे, तो d/dx ऑफ कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। आपको क्वेश्चन रूल पता है, x स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, x 1/x
इसका हो जाएगा माइनस लॉग एक्स हो जाएगा और इसका वन हो जाएगा, एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हमको मिला इसका डेरिवेटिव। अब लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स कितना होता है, एफ डैस एक्स कितना हो जाएगा, ज़ीरो। यहाँ से हमको वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ से हमको फर्दर कितना, वन माइनस लॉग एक्स कितना मिलेगा सर, ज़ीरो मिलेगा। तो यहाँ से लॉग एक्स कितना मिलेगा, वन, और ये होता है या ई छुपा होता है, तो ई पर पावर वन बराबर एक्स हो जाएगा, दैट मीन्स एक्स बराबर हमको ई मिल गया। ये हमको मिल गया क्रिटिकल पॉइंट, क्लियर है, ये हमको क्या मिला, ये हमको मिला क्रिटिकल पॉइंट। अब हमको ये शो करना है कि इस पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम, मतलब इसका डबल डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव निकालेंगे। तो चलिए नाउ अगेन एफ डबल डैश एक्स, इसका अगर हम डबल डैश निकालेंगे तो नीचे का कितना हो जाएगा, है ना, नीचे का हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, पक्का होगा नहीं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, और इसको ऊपर ले कर छोड़ देंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लेंगे, वन माइनस लॉग एक्स ऊपर का माइनस, फिर वन माइनस लॉग एक्स को हम लोग छोड़ देंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ कितना लेंगे, एक्स स्क्वायर, कहानी पकड़ में आ रही ना, इसको छोड़ दिया इसका डेरीवेटिव लिया, फिर इसको छोड़ दिया इसका डेरीवेटिव लिया, पक्का, चलिए एक्स पर पावर फोर हो जाएगा, यहाँ ये ऊपर कितना एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव ज़ीरो, इसका वन अपॉन एक्स हो जाएगा, पक्का, माइनस वन माइनस हो जाएगा लॉग एक्स और इसका हो जाएगा टू एक्स। इसको सॉल्व करेंगे एक्स पर पावर फोर और यहाँ से एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा माइनस एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा टू एक्स वन माइनस लॉग एक्स, कहानी पकड़ में आ रही है। और यहाँ से एक्स अगर हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से कैंसिल करने के लिए तो ये हो जाएगा माइनस वन माइनस टू और वन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स पर पावर क्यूब, ठीक, यहाँ तक तो एकदम मामला क्लियर है। यहाँ ले आते हैं इसको, यहाँ लेकर के आते हैं इधर। अब हमको इस वैल्यू को यहाँ पुट करना है और हमको देखना है कि पॉजिटिव हो रहा कि नेगेटिव हो रहा। नाउ एफ डबल डैश एक्स एट एक्स बराबर ई रख के देखो तो एक्स बराबर ई, यहाँ एक्स बराबर ई अगर यहाँ रख कर देखेंगे एक्स बराबर ई तो लॉग ई का मान कितना, तो वन, वन माइनस वन ज़ीरो, ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस वन अपॉन, ये बच जाएगा माइनस वन अपॉन, ये हमने ई रखा ई क्यूब और ये है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, मैक्सिमा आप जानते हो। सो एफ एक्स इज़ मैक्सिमम एट एक्स बराबर ई, हो गया प्रूव, हो गया प्रूव्ड। आपको बात पकड़ में आई किस तरह से ये मैक्सिमम हुआ, सबसे पहले हमने यहाँ लिया, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला, डबल डैश निकाला, हमने डबल डैश में इसका वैल्यू पुट किया क्रिटिकल पॉइंट का, नेगेटिव आ गया तो मैक्सिमा आ गया, तो क्लियर है फंक्शन इस पॉइंट पर क्या है, मैक्सिमम है। कहानी पकड़ में आ रही है आपको।